अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन और क्लीनिंग रूटीन, किचन की रूटीन शेयर करूंगी। इसके अलावा बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी आज मैं बनाने वाली हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। यहाँ पे मैं सुबह सुबह बस अपने घर को थोड़ा सा डीक्लटर कर रही थी और यही मेरी रूटीन है। हस्बैंड के ऑफिस चले जाने के बाद मैं 30 मिनट्स में अपने घर को थोड़ा सा सेट करती हूँ, बेडरूम सेट करती हूँ, अपने लिविंग रूम को सेट करती हूँ, डाइनिंग एरिया में से जितना भी एक्स्ट्रा कोई सामान पड़ा होता है उसको उठा के उसको वापस उसकी जगह पे रखती हूँ। घर को क्लटर फ्री करने के बाद अब आ चुकी मैं किचन में और यहाँ पर मैं बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म का ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। आप इस रेसिपी को अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हस्बैंड को दे सकते हैं, इवन आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके लिए सॉस बनाई है। सॉस में मैंने जस्ट 1 टेबल स्पून मेयोनीज लिया है, मस्टर्ड सॉस लिया है और थोड़ा सा हॉट सॉस लिया है। आप चाहें तो जस्ट आप मेयो और केचप जस्ट ओनली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज और टोमेटोज़ को चॉप कर लिया है। मैं ग्रीन चिलीज़ भी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ना बहुत ही मज़ेदार से ऑमलेट बनाने लगी हूँ। अच्छा, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ कि मैं डेली एक किस्म का ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। मेरा आज दिल कर रहा था कि थोड़ा वेरिएशन के साथ मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ क्योंकि आप एक ही ब्रेकफास्ट से बोर भी हो जाते हैं। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं होता। और मुझे आपके साथ नई नई रेसिपीज़ शेयर करना अच्छा भी बहुत लगे, इसलिए मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ, ब्रेकफास्ट की हों चाहे वो लंच बॉक्स की हों। तो उससे देखने वालों को भी काफ़ी आइडियाज़ मिलते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसी रेसिपीज़ भी बहुत पसंद हैं जो बनाने में भी क्विक और इजी हों और टेस्ट वाइज भी वो 10/10 हों। तो यहाँ पे अब ली है मैंने ये टॉर्टिया ब्रेड और ये जो सॉस मैंने बनाई थी, इस सॉस को हम इसके ऊपर हाफ अप्लाई कर देंगे। इस टॉर्टिया रैप को बनाने के बेसिकली काफ़ी मेथड्स हैं और मैंने अपने चैनल पर पहले भी शेयर किए हुए हैं। मैं आज इस मेथड से बनाने लगी हूँ। इस पर मैंने हाफ पे इस पर सॉस अप्लाई कर देनी है और उसके बाद मैं इसके ऊपर ये रख रही हूँ लेटस लीव्स और मेरे पास थोड़े एक स्लाइस टर्की का भी पड़ा था, वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और बाद में इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे इसको ऑमलेट को। अच्छा, ये चीज़ी एग टॉर्टिला का एक ये भी फ़ायदा है कि आप इनमें कोई सी भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स इतनी शौक से नहीं खाते तो आप ऑमलेट में ऐड करके या इस तरह रैप बना के उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लाइक कैप्सिकम आप ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर्स ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने लेटस ऐड की है, और मैंने कैप्सिकम को ऑमलेट में भी ऐड किया है। अच्छा, अब इसकी टॉर्टिया रैप की जो दूसरी साइड है इसके ऊपर मैंने चीज़ ऐड कर दिया। आप इसके ऊपर भी चीज़ ऐड कर सकते हो और चीज़ ऐड करने के बाद इसको बहुत आराम से इसको फ़्लिप करना है। मुझे तो वैसे ही रैप बना बना के अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। आपने इसको फ़्लिप करके, फ़्लिप करने के बाद अब हम इसको तवे के ऊपर थोड़ा सा इसको सेक लेंगे दोनों साइड्स को। इन द मेन वाइल मैंने अपनी चाय भी बनने के लिए रखी हुई है और मुझे ना सुबह सुबह चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लाइक मेरे लिए एक फ्यूल का काम करती है। अगर मैं चाय सुबह में अर्ली मॉर्निंग में नहीं पीऊँगी तो मैं बिल्कुल भी फंक्शन ही कर पाती। आई नो इट्स नॉट अ गुड हैबिट, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज कर सकूँ। ये देखें, ये सैंडविच रैप रेडी हो चुका है। इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है ताकि इसको ईजीली खाया जा सके। बस नाश्ते वगैरह से फ्री होके अब मैं अपने डेली रूटीन के कुछ काम करूँगी, कुछ किचन के काम, कुछ घर के काम। मैंने बेसिकली क्या किया होता है कि जो मैंने क्लीनिंग है, क्लीनिंग को मैंने डिवाइड किया हुआ होता है। लाइक मैं डेली क्लीनिंग नहीं करती, ऑल्टरनेटिव डेज़ पे मैं क्लीनिंग करती हूँ और ऑल्टरनेटिव डेज़ पे ही मैंने डस्टिंग करनी होती है। और मुझे ये लगता है कि हम जहाँ पे रहते हैं, वो चाहे हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, रेंट का अपार्टमेंट हो या अपना अपार्टमेंट, चाहे आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे हैं या आप सेपरेट रह रहे हैं, जिस जगह भी आप मौजूद हैं ना वही आपका घर है। इसलिए समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं या हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि हम कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम उस जगह को ओन करना छोड़ देते हैं।
हमारी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी ऐसे होती है, या कह लो दिल के हालात ऐसे होते हैं कि हमारा दिल नहीं चाह रहा होता और हम अपना काम बिल्कुल छोड़ देते हैं, या समटाइम्स ऐसे भी होता है कि दिल के हालात भी नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी हमें एनर्जी नहीं होती कि हम उठ के अपने सारे जो काम हैं, अपने टास्क हैं, उनको कम्प्लीट कर सकें, या फिर हम बिल्कुल अपनी हाउस हेल्पर्स के ऊपर सारा कुछ छोड़ देती हैं और उन पर डिपेंड करने लग जाती हैं। लेकिन हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बाशऊर और सलीकामंद जो ख्वातीन हैं वो अपनी चीज़ों की ओनरशिप खुद लेती हैं और ख़ुद से हर चीज़ का चार्ज लेते हुए अपनी हर चीज़ को खुद बहुत अच्छे से और सलीके से ऑर्गेनाइज़ करती है, अपने घर को मेंटेन करती है, और इसके लिए चाहे उसे कितनी भी एफर्ट्स पुटिंग करनी पड़े वो करती है। यहाँ पे यूएई में जो मेरा अपार्टमेंट है वो 1 BHK है, लाइक 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। और फिर वही बात है कि चाहे अपार्टमेंट बड़ा है या छोटा है, आपको डेली बेसिस पे क्लीनिंग, लॉन्ड्री, डस्टिंग हर चीज़ करनी पड़ती है। अच्छा, मैं काफ़ी दिन से इसकी अनबॉक्सिंग के बारे में सोच रही थी, और मैंने इसीलिए अनबॉक्सिंग इसकी नहीं की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। 5 जार्स मेरे पास पड़े थे, इनको मैं अपने काउंटर टॉप पे सेट करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसको जस्ट खोल लिया है, और स्पाइसेस वगैरह में बेसिकली ये स्पाइस जार्स हैं, तो स्पाइसेस वगैरह मैं इस पर बाद में ऐड करूँगी। ये बेसिकली रोटेटेबल ये स्पाइस जार्स हैं। मुझे भी इस टाइम बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि मैं अपनी किचन के लिए जब भी कोई न्यू चीज़ बाय करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, हम होम मेकर्स की ऑलमोस्ट सभी की मॉर्निंग टाइम तो सेम ही रूटीन होती है हाउसवाइफ्स की, लाइक हम लोगों ने किचन क्लीनिंग करनी होती है, घर की क्लीनिंग करनी होती है, सभी ऑलमोस्ट सेम यही घर पे काम कर रहे होते हैं। मैं भी अपने सारे घर के काम से फ्री होके घर से निकलते हुए मेरा प्लान था कि मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करूँगी, मैंने ग्रॉसरी बैग्स भी रख लिए, लेकिन फिर हमारा प्लान चेंज हो गया क्योंकि कज़न को दुबई से हमने पिक करना था, सो फिर हम लोग दुबई चले गए, वहाँ से हमने कज़न को पिक किया और यहाँ पर हम लोग आ गए कॉफ़ी पीने के लिए। बस घर आते आते हमें रात हो ही गई। यहाँ पे मैं प्रेपरेशन करने लगी हूँ डिनर की, और यहाँ पे बन रही हैं बीफ चॉप्स, इनको मैंने कल रात ही मैरिनेट करके रख दिया था, और वीडियो रिकॉर्ड करना मैं बिल्कुल भूल गई, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मैंने इसको कैसे मैरिनेट किया है। अच्छा जी, इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने लिया 1 कप योगर्ट और 1 बड़ा लीमू मैंने अच्छे से निचोड़ के इसमें ऐड किया, और इसमें मैंने 1/2 कप मैंने ऑयल ऐड किया, बाकी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड की हैं, और बाकी सभी घर के स्पाइसेस लाइक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर भी इसमें ऐड किया, और मैंने इसमें कोई मसाला नहीं ऐड किया लाइक टिक्का और ये जो बाज़ार के मसाले होते हैं तंदूरी मसाला, कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। बस मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया, और अभी मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ, बेकिंग ओवन में। तकरीबन इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे में इसको ऐसे इसको बेक करूँगी, उसके बाद अगर तो ये सॉफ्ट हो गया, टेंडर हो गया, तो फिर मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर ऐड किया, और अब मैं इसको रख दूँगी बेकिंग ओवन में। मैंने इसको प्री हीट कर लिया है, और इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैं रखूँगी, उसके बाद फिर इसको मैं दोबारा से चेक करूँगी। अब इसको रखते हुए मुझे याद भूल गया था, इसको मैंने ऊपर से तो कवर किया है, क्योंकि इसको ऊपर से नहीं कवर करेंगे, इसको ऊपर से ज़रूर कवर करना है, इससे क्या होगा कि स्टीम बनेगी और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। चॉप्स को रख दिया मैंने बेक होने के लिए, अब साथ में मैं बहुत लाइट से मसाले वाले राइस बनाऊंगी जो कि बीफ चॉप के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मैं दूसरा मेथड भी यूज़ करने लगी हूँ। इस पर मैंने क्या किया कि ग्रिल पैन के ऊपर मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा ऑयल, और चॉप्स को पहले करूँगी फ्राई, देन इसको मैं फिर ओवन में रखूँगी। दूसरी साइड पे अब मैं मसाला राइस बनाने लगी हूँ, मैंने इसमें ऐड कर दिए खड़े मसाले, और बहुत सिंपल और बेसिक से जैसे राइस बनते हैं ये वैसे मैं बना रही हूँ।
अच्छा, मुझे जब भी राइस बनाने होते हैं ना तो मैं उसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक चॉप करके ऐड करती हूँ। उससे एक डिफरेंट ही अरोमा होता है, और अगर आप फ्रीज़ किया हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट उसमें ऐड करेंगे उसका इतना अरोमा अच्छा नहीं होता। अब ये मैंने चॉप की हुई वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी हैं। मुझे राइस में वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं, सो इसलिए मैंने बंद गोभी ऐड की है, गाजर एक ऐड की है और कैप्सिकम ऐड किया। ये ग्रिलर को जब मैंने इसको कवर किया था, इसमें मैंने पानी ऐड किया था, और पानी ऐड करके अब यहाँ पे सारा पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसको मैंने इसकी साइड मैंने फ्लिप कर दी और फ्लेम को थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया है। राइस में मैंने चॉप की हुई टोमेटोज़ भी ऐड कर दिए हैं। मैंने एक टोमेटो चॉप करके इसमें ऐड किया है, और बिल्कुल बेसिक से मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, लाइक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, और मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, दैट्स इट। जब तक चावलों का पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैं जल्दी से ये टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। ये यहाँ पे मंदी राइस के साथ हो, चाहे आपने सिंपल पुलाव बनाया है, सिंपल राइस है, तो उसके साथ ये जो टमाटर की चटनी है ना, ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी लगती है। सो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टोमेटोज़, उसमें 2 मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, और लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया है। जस्ट सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है बस, और कोई मसाला नहीं इसमें मैंने ऐड किया। और ये ट्रस्ट मी, इतनी मज़े की ये चटनी बनती है ना, आप ये ज़रूर ट्राई करना राइस के साथ, चाहे वो राइस सिंपल हैं चाहे वो वेजिटेबल राइस हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है ये उसके साथ। ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद मैंने ये इसको निकाला है, और ये यहाँ पे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब हस्बैंड आ चुके थे, उन्होंने बहुत जल्दी मचाई हुई थी कि जल्दी जल्दी मुझे खाना, तो मुझे भूख लग रही है। सो अब इनको मैं ग्रिलर के ऊपर 5-7 मिनट अच्छे से ग्रिल कर लूँगी बोथ साइड्स को। बस खाना यहाँ पे अब मेरा हो चुका है रेडी, और इसको अब मैं कर लूँगी डिश आउट। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हर चीज़ बनी थी। चॉप्स का भी जो टेस्ट था वो 10/10 था, परफेक्ट था, और राइस भी बहुत ही मज़े के बने थे। राइस में मैंने जो पानी की क्वांटिटी है ना, वो मैंने बिल्कुल बराबर रखी थी, और अगर पानी थोड़ा सा भी यहाँ पर आप ज़्यादा ऐड कर देना तो राइस बहुत अजीब से सॉगी से बनते हैं। सो इसलिए मैंने जो पानी की क्वांटिटी है ना वो बिल्कुल इक्वल रखी थी, और उसी वजह से राइस बिल्कुल खिला खिला और बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े के बने हैं। सो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, और मुझे फीडबैक भी आपका चाहिए कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी व्लॉग्स वीडियोस अच्छी लग रही हैं, रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि मैं नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ मज़े मज़े के व्लॉग्स बना सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।